बांका जिला के अमरपुर विधानसभा के विधायक जनार्दन मांझी ने मंगलवार के दिन विभिन्न गांव में बनने वाली पांच ग्रामीण पथ का शिलान्यास किया मौके पर उन्होंने बताया कि मरपुर शाहकुंड मुख्य पद से दोना गांव में दो किलोमीटर शाहपुर मुख्य पद से रामचंद्रपुर इटहरी में दो किलोमीटर डुबोनी राजपुर गांव के गौरीपुर में 360 मीटर विशम्बर चक से बांका मरपुर आरसीडी रोड सात मीटर लक्ष्मीपुर से डुमरावा लौसा गांव तक एक किलोमीटर 545 मीटर ग्रामीण पद की स्वीकृति मिली है जिसका विधिवत शिलान्यास किया गया उन्होंने बताया कि इन पथों का निर्माण लगभग चार करोड़ की लागत से किया जाएगा उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है बिहार में अनेकों महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं अमरपुर विधानसभा में पूर्ण विकास करने के लिए हमेशा है दृढ़ संकल्पित रहकर अनेकों पुलिया का निर्माण ग्रामीण पथों को मुख्य सड़क से जोड़ने का कार्य जल नल योजना के तहत सभी नागरिकों के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था वृद्धा पेंशन जैसे अनेकों महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र में किए गए आने वाली विधानसभा चुनाव में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी इस अवसर आरोप पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष विमल कुमार सिंह सलेमपुर पंचायत के मुखिया अर्चना देवी भदरिया पंचायत के मुखिया पति राजेश भगत पूर्व प्रमुख मनोहर पंडित गणेश लाल दास कुंदन कुमार पार्टी के जिला महासचिव मनीष कुमार झा समेत दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता गण एवं ग्रामीण उपस्थित थे बांका जिला के फुल्ली डुमर प्रखंड क्षेत्र के राता पंचायत अंतर्गत बदलाचक गांव में विधायक रामदेव यादव ने मंगलवार को रामपुर डलवा मोड़ मुख्य सड़क से बदलाचक गांव तक सड़क का शिलान्यास किया उक्त सड़क की लंबाई करीब एक किलोमीटर है जिसकी लागत करीब एक करोड़ रुपए है मौके पर उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के फुल्ली डुमर प्रखंड के दर्जनों कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे विकास में विश्वास करते हैं कहा कि बदला चक एक ऐसा गांव है जहां के लोग आजादी के बाद से एक अदद सड़क के लिए तरस रहे थे गौर करने की बात है कि विगत 22 साल पूर्व अपने विधायक के दूसरे कार्यकाल में बदला चक के ग्रामीण सड़क की सूरत बदलने की शुरुआत की थी सड़क पर पत्थर डलवाया गया था इसी बीच कई जनप्रतिनिधि आए और चले गए लेकिन किसी ने सुधी लेना मुनासिब नहीं समझा फिर उन्होंने उक्त सड़क का नए सिरे से निर्माण कराने की शुरुआत की इससे पूर्व विधायक ने साहेबगंज बेलहर मुख्य मार्ग पर बिल्डिहा मोड़ से बिष्णुपुर तक करीब चार किलोमीटर बेलहर साहेबगंज मुख्य सड़क ऐसी पसिया तक करीब नौ किलोमीटर एवं धनजोरवा ऐसी संदीपी पथ तक करीब एक किलोमीटर तक सड़क का शिलान्यास किया जानकारी के अनुसार सभी सड़कों का निर्माण कार्य मुख्यमंत्री सड़क संपर्क योजना एवं एम योजना चौवन के तहत किया जा रहा है सभी सड़कों के निर्माण कार्य संवेदक मनोज कुमार सिंह करेंगे इससे पूर्व विधायक राता के के मुकेश कुमार के घर ग्रामीणों ने जनसंवाद किया मौत पर उनके परिजनों से मिलकर विधायक ने सांत्वना दी उनके साथ प्रखंड प्रमुख गौतम प्रकाश जीप सदस्य नरेश यादव यशवंत राय अनिल राय प्रखंड अध्यक्ष प्रमानंद मंडल महाशिव अमरेंद्र राय उमाशंकर राय जयप्रकाश राय मुकेश सिंह दिवाकर राय प्रसन्नजीत कुमार शैलेन्द्र कुमार अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष पंकज मंडल दिवाकर राय सतीश राय बंटी कुमार आलोक कुमार आजाद जयद्रथ कुमार मीडिया प्रभारी बबलू रंजन बाबूलाल मरांडी राकेश कुमार विवेकानंद यादव एवं रामेश्वर पंजियारा समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के कुसमहा गांव में वज्रपात की चपेट में आने से एक वृद्ध की मौत हो गई मृतक कुसमहा गांव निवासी आनंदी यादव बताया जा रहा है मिली जानकारी के अनुसार आनंदी यादव अपना मवेशी लेकर खेतों की ओर गया था तभी तेज बारिश के साथ ठनका गिर गया जिसकी चपेट में आने से वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई खेतों में कार्य कर रहे अन्य ग्रामीणों ने इसकी सूचना मृतक के परिजनों को दिया सूचना मिलते ही परिजन खेत की ओर दौड़ गए मौके पर मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल देखा गया